जय हिंद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो भाई वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो जैसा कि सभी जानते हैं भाई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो है एक रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है यहाँ पर आईटी कैंडिडेट के लिए, लेकिन क्या इसमें सारा कुछ जो है यहाँ पर बताया गया है, तो उस चीज़ को लेकर मैं आपको क्लियर करूंगा। देखो पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है यहाँ पर ये इसका PSU में कन्वर्ट हो गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, है ना। तो अभी जो है जो रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है वो यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। अब ये जो यहाँ पर अगर क्लियर करूँ तो यहाँ पर जो है ट्रेनुअल बेसिस ये वैकेंसीज निकाली गई है, मतलब यहाँ पर जो वैकेंसीज निकाली गई है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, 4 साल का यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट ये जो है रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूँ तो नंबर ऑफ वैकेंसीज पर जाऊँ तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो अलग अलग इन्होंने कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो 100 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर वैकेंसीज निकल कर आ रही हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो जनरल की 40 वैकेंसी हैं, OBC की 15 हैं, SC की 15 हैं, ST की 15, EWS की 10 हैं, ठीक है। ट्रेनुअल बेस्ड जो है ये आपकी यहाँ पर रहेगी। इसमें देखो आपको क्या दिया जाएगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको DA दिया जाएगा और आपका जो है यहाँ पर लेवल 2 का सैलरी रहेगा, प्लस आपको DA दिया जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो DA अभी 34% या 35% चल रहा है, तो आप यहाँ पर 9900 का 35% निकाल के ऐड करके देख सकते हैं तो कितना क्या आपकी इसमें जो है सैलरी रहेगी। थोड़ा सा अगर मैं आऊँ तो भाई एक्स अप्रेंटिसशिप, मतलब यहाँ पर जो एजुकेशनल इनका क्वालिफिकेशन है वो आपका ITI और अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, ठीक है। अप्रेंटिसशिप ITI के साथ अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, ITI आपका AOCP ट्रेड में यहाँ पर पास होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है, जो आपकी 1 अप्रैल 2023 से काउंट होगी, जैसा कि आपको बताया गया। अभी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी नहीं लगने वाली है, नील रहने वाली है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है भाई, ये जो है यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को, यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसको डिपार्टमेंट को भेजना है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। द जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी, डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश, पिन कोड 4611122, इस पिन कोड पर जो है आपको यहाँ पर भेजना है, ठीक है। अपने और आप जो एनवलप रहेगा उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिख कर आपको भेजना है, सारा ब्लॉक लेटर में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसकी क्लोजिंग डेट की बात करें तो 5 मई 2023 जो है यहाँ पर इसकी क्लोजिंग डेट रखी गई है फॉर्म को डालने की। अभी मैं थोड़ा सा और आगे क्लियर करूँगा कि भाई जो यहाँ पर RTA वाले कैंडिडेट के लिए जो इसमें वैकेंसीज आती है सभी ट्रेड के लिए, ठीक है, तो उसको भी मैं क्लियर करूँगा कि एक्चुअली यहाँ पर कब तक आपको वैकेंसीज देखने मिल सकती है, है ना। मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, पहले मार्क्स बेस पर आपको यहाँ पर जो है सिलेक्शन किया जाएगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाएगा। शायद हो सकता है भाई अगर ट्रेड टेस्ट विल बी कैरिड आउट बाय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी विद इन 1 मंथ द क्लोजिंग डेट एडवर्टाइजमेंट, ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी 100 मार्क्स, तो मतलब आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट ही होने वाला है, ठीक है। तो ये इन्होंने जो है बताया गया है, और मेरिट के आधार पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और उसके बाद जो अगर मैं चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करते हुए चलूँ तो आपको DA यहाँ पर दिया जाएगा, अदर्स जो बेनिफिट है वो शायद आपको ना दिए जाएँ भाई यहाँ पर, लेकिन ये है कि अच्छा खासा आपको यहाँ पर जो है सैलरी दिया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं क्लियर करूँ तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म को मैं बता देता हूँ भाई, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर जो आपको अपनी फ़ोटो लगाना है, ठीक है, फ़ोटो लगाने के बाद आपको जो है अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है भाई, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर मेंशन करना है, उसके बाद एज लिखना है आपको, एज इस डेट से काउंट करके आपको यहाँ पर लिखना है कितनी एज आपकी है, ठीक है, और उसके बाद नेशनैलिटी लिखना है, उसके बाद कैटेगरी लिखना है आपको, एक्स सर्विस मैन है तो यस या नो करेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर भाई वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर आप लिखना है ना, कोई आपके बॉडी में मार्क्स वगैरह हैं तो वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है। ट्रेड टेस्ट यहाँ पर हिंदी में या इंग्लिश में है तो ये आपको लैंग्वेज चूज़ करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर NAC NTC वगैरह की जानकारी आप दोगे, है ना। तो ये नॉर्मली फॉर्म है, ये आपको जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भेजोगे उस पर यस यस का टिक करते जाओगे, जितने भी इसमें डॉक्यूमेंट हैं, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, NTC NAC वगैरह, तो इस पर आप यहाँ पर जो है क्लिक कर दोगे, यहाँ पर नीचे डेट और प्लेस लिख दोगे जहाँ से आप भेज रहे हो, और इसके बाद कैंडिडेट के सिग्नेचर कर दोगे, यहाँ पर डिक्लेरेशन में भर दोगे अपना नाम, ठीक है। तो यही सब जो है यहाँ पर नॉर्मली फॉर्म आपको भरकर भेजना है। अब देखो भाई ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भरती हूँ यहाँ पर, तो एक ही ट्रेड वाला एलिजिबल है। अब बात करता हूँ भाई यहाँ पर जो परमानेंट वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो देखो भाई मैं चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट वैकेंसीज काफ़ी टाइम से नहीं आई हैं, बहुत टाइम हो गया है यहाँ पर जो और वैकेंसीज देखने नहीं मिली हैं,
तो अभी जो यहाँ पर देखो वैकेंसीज आती हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ पोस्ट पर होंगी। जैसा कि सभी जानते हैं भाई, ऑर्डनेंस फैक्ट्री जो है PSU पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट हो गया है ना। तो अभी वहाँ पर काफ़ी जो है मैन पावर की ज़रूरत है, काफ़ी कर्मचारी का वहाँ पर रिटायरमेंट हो गया है। तो लगभग ऑलमोस्ट जो 41 ऑल ओवर इंडिया में ऑर्डनेंस फैक्ट्री हैं वो लगभग बहुत खाली हैं। मतलब वहाँ पर जो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पर काफ़ी कर्मचारियों की नीड है। तो देखो वैकेंसीज अगर आपको देखने मिल सकती हैं तो अभी चुनाव जो है इलेक्शन 2024 में, उससे पहले पहले जो है यहाँ पर आपको वैकेंसीज देखने मिल सकती हैं। और भाई देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर लेवल टू पर आपका वैकेंसीज आता है तो NAC यहाँ पर मैंडेटरी करेगा, मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यहाँ पर मैंडेटरी कर देगा। तो भाई आपको देखना होगा, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर तैयारी करनी होगी। चुनाव से पहले पहले अगर यहाँ पर भर्ती आती है तो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ पोस्ट पर जो है आपको यहाँ पर भर्ती देखने मिलेगी, क्योंकि ऑर्डनेंस फैक्ट्री लगभग ऑलमोस्ट पूरी खाली हो चुकी है। वहाँ पर काफ़ी कर्मचारी जो है अभी रिटायरमेंट ले चुके हैं, है ना। तो आप हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई जो लोकसभा इलेक्शन है 2024 से, तो उसके पहले पहले आपको डिफेंस में अगर भर्ती आती है तो ऑर्डनेंस फैक्ट्री में देखने मिल सकती है। क्योंकि अगर बात करें तो ऑर्डनेंस फैक्ट्री में ही बहुत पोस्टें खाली हैं, बहुत टाइम हो गया है, लगभग 5 से 6 साल हो गए तब से जो है ऑर्डनेंस फैक्ट्री में भर्ती देखने नहीं मिली है। तो जब आएगी भर्ती तो सभी ट्रेडों को मौका मिलेगा, चाहे वो टर्नर हो, फिटर वाले हों, मशीनिस्ट वाले हों, इलेक्ट्रिकल वाले हों, ठीक है, सभी ट्रेडों को मौका मिलेगा जैसे ही इसमें जब भी भर्ती आएगी। और ऑफिशियल ही इसका जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और भाई बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं अपनी अपनी लोकेशन में, जो है आप फॉर्म अप्लाई कर लोगे, कोई इशू यहाँ पर नहीं आने वाला है। फिलहाल भाई ये जो है नोटिफिकेशन आया था, तो जैसे ही इसके परमानेंट जॉब का नोटिफिकेशन आता है तो इसकी अपडेट भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी। हम सारा कुछ क्लियर करेंगे, कितना पार्ट टेक्निकल होता है, कितना नॉन टेक्निकल, है ना। तो भाई वेट कीजिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वैकेंसी नहीं आएगी, डेफिनेटली आपको वैकेंसीज देखने मिलेगी, लेकिन ये है कि भाई जब भी आएगी काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ पोस्ट पर होगी, क्योंकि ऑर्डनेंस फैक्ट्री का एक बहुत बड़ा जो है एरिया है और काफ़ी टाइम से यहाँ पर जो है वैकेंसीज देखने नहीं मिली है। बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट अपडेट के साथ, चैनल के साथ बने रहिएगा। जय हिंद।